हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। सो आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ एक स्पीकर जो कि मीवी की तरफ से आता है, मीवी ऑक्टेव 3। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि मीवी का मैं कितना बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मेरे चैनल पे आधे से ज्यादा मीवी के वीडियोस पड़े हुए हैं। तो इसी सब को देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना एक मीवी का नया स्पीकर अनबॉक्स किया जाए। और मुझे अनबॉक्सिंग इस वजह से करना था क्योंकि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। हमारे देश की नमक और हमारे देश की स्पीकर्स को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, क्या सोच है रे तेरी। तो चलिए सबसे पहले इसे अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स के साइड में आपको कुछ हाइलाइटिंग फीचर देखने को मिल जाएंगे और आपको साइड में मिलता है पुश द लिमिट। मैंने अपने बजट पुश करके तो इस स्पीकर को ले लिया है। तो ये है हमारा मीवी ऑक्टेव 3 का क्यूट सा बॉक्स। बॉक्स को खोलते ही आपको मिलता है मीवी का सबसे पहले स्पीकर जो कि बहुत ही तगड़ा देखने को मिलता है। इसे रखते हैं साइड और बात करते हैं बॉक्स कंटेंट के ऊपर। सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है चार्जिंग केबल जो कि USB 2 टाइप सी केबल है, और आपको एक देखने को मिल जाता है ऑक्स केबल जिसकी भी क्वालिटी काफी ठीक ठाक सी है। दो मीवी के टेम्पलेट देखने को मिल जाते हैं जिसके पीछे लिखा हुआ है वेलकम टू द क्रू, और आपको 1 ईयर वारंटी रजिस्टर करने के लिए QR कोड भी दे रखा है। छोटा सा पतला सा पुस्तक मिल जाता है जिसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारी फीचर मैं आपको बता दूंगा। ये तो थी बॉक्स की कंटेंट, अब बढ़ते हैं स्पीकर के ऊपर। ये है हमारा मीवी ऑक्टेव 3 जो कि बहुत ही प्यारा स्पीकर है और ये आपको राउंड देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। ये स्पीकर आपको कुछ मेटल का देखने को मिल जाता है। हमेशा से मीवी की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम रखी है। मेरे पास 2 साल पुराना मीवी रोम 2 भी है, आज भी उसकी बिल्ड कुछ ऐसी के ऐसी रखी है। मैंने इस पे कितने सारे टेस्टिंग किया, आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, फिर भी इस स्पीकर को कुछ भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है 16 वाट का जो कि मुझे इस प्राइस में बहुत सही चीज लगी। और आपको इस स्पीकर में 4 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, और आपको ऊपर की तरफ जो ये डॉट डायल देखने को मिलता है ये है कुछ प्लास्टिक का और ये है मेटल का। और बटन्स की बात करें तो बटन्स भी इसे काफी टक्टाइल है। 3 बटन देखने को मिल जाते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम प्लस बटन, वॉल्यूम माइनस बटन एंड प्ले पॉज के लिए भी बटन्स मिल जाएंगे जो कि ये मल्टी फंक्शनल बटन है, और एक पावर बटन। आपको यहाँ पे टाइप सी का एक पोर्ट देखने को मिलता है और ऑक्स का पोर्ट देखने को मिलता है। एक चीज मैंने देखी है, मीवी के बहुत सारे स्पीकर्स में आपको ये स्ट्रैप देखने को मिल जाते हैं जो कि मुझे बहुत सही चीज लगता है। इसका भी मैं कैरी करता हूँ तो इस स्ट्रैप को काफी ज्यादा यूज करता हूँ। तो सबसे पहले इस स्पीकर का करते हैं साउंड टेस्ट और फिर आगे बात करते हैं। तो मैंने काफी सारे सॉन्ग आपको प्ले करके दिखा दिए जिससे आप एज्यूम कर पाओ इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। अगर मैं अपनी ओपिनियन बताऊं तो मुझे इसकी साउंड क्वालिटी लिटरली बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगी है। इस प्राइस रेंज में तो बहुत ही फार है। और बेस की बात करें तो बेस इस स्पीकर में बहुत ही ज्यादा भर भर के दिया गया है। और वोकल की बात करें तो इस स्पीकर में आपको 80% वॉल्यूम तक पूरी वोकल क्लियर रहती है। अगर डिस्टॉर्शन की बात करें तो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, आपको उतनी ज्यादा फील नहीं होगी। बट इस स्पीकर में 16 वॉट के हिसाब से मेरे को थोड़ी सी वॉल्यूम कम लगी है एज कम्पेयर टू बोट स्पीकर। और इस स्पीकर को मैं कंपेयर करने वाला हूँ बोट के काफी सारे स्पीकर से, उसके लिए आप स्टे ट्यून रहे हैं, अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बात करते हैं इस स्पीकर की बैटरी बैकअप की। इस स्पीकर में आपको देखने को मिल जाता है 2500 mAh की बैटरी। कंपनी तो दावा कर रही है ये स्पीकर आपको 8 घंटे चल जाएंगे, क्या ये सच में 8 घंटे चल पाएंगे? मेरे केस में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ गाइस। मुझे इसकी बैटरी बैकअप फुल वॉल्यूम पे 5 घंटे को देखने को मिली है, और मिड वॉल्यूम पे बात करें तो 6.5 आवर्स बैटरी बैकअप देखने को मिली है। और जब मैंने सॉन्ग प्ले किया तो मुझे इस स्पीकर में लिटरली 360 साउंड एक्सपीरियंस मेरे को फील हुआ। और आपको इस स्पीकर मिलता है IPX7 का सपोर्ट। इस स्पीकर को मैं डीप वाटर में टेस्ट करूंगा। तो चलिए इसे सबसे पहले वॉशरूम के अंदर ले चलते हैं। तो सबसे पहले शावर टेस्ट करते हैं। वो पानी का काफी ज्यादा ठंडी है। अब इस स्पीकर को सॉन्ग प्ले करते हुए मैं भिगाता हूँ। ठंडे पानी से नहाना चाहिए। देख सकते हो इसकी वॉल्यूम थोड़ी लो हो गई है पानी खाने के बाद। हम इतने ही पे नहीं रुकेंगे, अब हम डीप वाटर टेस्ट करेंगे। दोस्तों आपने देख ही लिया हमारे डीप वाटर टेस्ट में ये पास हो गया है। तो आप इसको स्विमिंग में तो नहीं, आप थोड़ी बहुत बारिश में से यूज जरूर कर सकते हो।
और ये स्पीकर आपको काफी ज्यादा लाइट वेट देखने को मिल जाता है। बहुत सारी इस स्पीकर की तारीफें हो गई दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेज की, इस स्पीकर में को क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज, इसमें आपको कोई मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं देखने को मिलता है, जो कि इस प्राइस में काफी सारे स्पीकर आते हैं बोट के, उसमें मेमोरी कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है। बट मीवी वाले कब से देना शुरू करेंगे मेमोरी कार्ड स्लॉट, मेरे को लिटरली पता नहीं। और दूसरा डिसएडवांटेज लगता है मुझे इस स्पीकर का, इसमें आपको FM का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। वैसे तो ये इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, बट काफी सारे स्पीकर आते हैं जिसमें FM का सपोर्ट देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा मुझे डिसएडवांटेज लगता है इस स्पीकर का, इसमें आपको फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलता है। 3.5 घंटा आपको फुल चार्ज करने में लग जाएगा। इतना टाइम तो मेरे पास नहीं है, आपके पास भी नहीं होगा ऑब्वियसली, बट इस स्पीकर को चार्ज करने में आपको 3.5 आवर्स तो देना ही पड़ेगा। आई डोंट नो मीवी वाले कब फास्ट चार्जिंग लाएंगे, अभी तक तो नहीं लाया, होपफुली आगे ले आए। तो अब बात करते हैं फाइनली कंक्लूजन की, क्या आपको ये स्पीकर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये स्पीकर आपको लेना चाहिए। अगर आपको ये स्पीकर 1500-1800 में मिल जाता है तो आप इसे जाके ले सकते हो। अगर आप इस स्पीकर को लेना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ले सकते हो, और भी सारे स्पीकर का मैं लिंक दे दूंगा, अंडर 2000 बेस्ट स्पीकर जो भी होंगे आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो होपफुली गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं धीरे धीरे अपने स्टूडियो को अपग्रेड किया हूं एंड होपफुली मैं कंटेंट को भी अपग्रेड कर पाऊं। तो ऐसे ही सपोर्ट के लिए हमारे वीडियो को कर सकते हो लाइक। तो कैसा लगा आपको ये हमारा अनबॉक्सिंग वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, एंड मे बी Octave 3V कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।